शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है कि शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है। सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहां लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है तीसरे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पांचवें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ। नी हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहां नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। पांव जल जल चरण के पास में। ऐसे पांच स्थान दिए हैं जल चढ़ाने के लिए, सीधा बेल पत्र और उल्टा बेल पत्र, समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो, जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते, करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोलिए कहां होना चाहिए, नंदी की ओर, और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीध ही रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? पांच चीजों से, पंचामृत, दूध बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये पांच चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है, दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और पांचवें नंबर पर भगवान को शक्कर खांड, जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पीसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते।
क्यों कहते हैं जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है।